नमस्कार, टेक्निकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विक्रम कटनौरिया। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन का पार्ट है कन्वर्टर्स। यदि आप इस लिंक के ऊपर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर, तो लिंक को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो अपना टॉपिक्स है कन्वर्टर्स, मतलब कन्वर्ट करने वाली जो युक्ति है वो कन्वर्टर कहलाती है। तो एसी जो वैद्युतिक राशि है उसे डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति है वो कन्वर्टर्स कहलाती है। तो अपन को आवश्यकता होती है कि डीसी का कई जगह पर प्रयोग किया जाता है जहां पर एसी कार्य नहीं कर सकती, तो आवश्यकता अनुसार जो डीसी का प्रयोग है हमारे धातु शोधन, एक धातु से धरातल से प्राप्त होने वाला जो खनिज होता है वो अशुद्ध रूप में होता है, उस खनिज को शुद्ध करने के लिए अपन धातु शोधन कार्य के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। बैटरी चार्जिंग, एसी के द्वारा बैटरी चार्जिंग का कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी बैटरी को चार्ज करना है या करंट को स्टोरेज करना होता है तो वहां पर बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी का प्रयोग किया जाता है। सिनेमा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर आर्क लैंप का प्रयोग किया जाता है और आर्क लैंप कार्बन के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए सिनेमा के अंदर जो चलचित्र होता है या फिल्म के ऊपर जो प्रकाश पर्दे पर उत्पन्न करना होता है वहां पर डीसी वैद्युतिक सप्लाई की आवश्यकता होती है। अनेक कार्य जैसे टेलीफोन, मोबाइल चार्ज आदि कार्यों के लिए अपन को डीसी वैद्युतिक सप्लाई की आवश्यकता होती है, या कहीं पर अपन को क्रशर कार्य, जो ट्रैक्शन कार्य है उच्च मान के बाहर को उठाने के लिए या उच्च मान के बाहर को खींचने के लिए डीसी वैद्युतिक सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो अनेक कार्य एसी से नहीं कर सकते, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वो कन्वर्टर कहलाती है। तो देखो एक कन्वर्टर्स की उसकी जो किस्म है, कितने प्रकार की जो किस्म या कन्वर्टर्स हैं जिनका अपन प्रयोग करते हैं, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जो मुख्य मौलिक चीज है, एसी को डीसी में परिवर्तन करना, तो इसके लिए सबसे मुख्य मौलिक चीज है, पहला है एमजी सेट। एक मोटर और एक जनरेटर के द्वारा, एमजी सेट के द्वारा थ्री फेज मोटर है, इस मोटर को वैद्युतिक सप्लाई से दोगे और कपलिंग के द्वारा एक डीसी जनरेटर को जोड़ दिया जाएगा। तो जनित्र को जैसे ही वैद्युतिक सप्लाई मोटर को देंगे तो मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना मोटर का कार्य है, जबकि एक जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करता है। एक डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जनित्र के अंदर मुख्य मौलिक पार्ट होता है आर्मेचर, और आर्मेचर के ऊपर स्थापित किया जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर है एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाली जो युक्ति है वो कम्यूटेटर कहलाती है। सही, कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में परिवर्तन करना। एक डीसी जनरेटर जब चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक घूर्णन कार्य प्रारंभ करता है तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के कारण इस चालक पर एक ईएमएफ पैदा होगा। पैदा होने वाला ईएमएफ हमेशा एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। इस ईएमएफ को एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता होती है द्विक परिवर्तक या कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर एसी को डीसी में पैदा करता है और एक कम्यूटेटर के द्वारा पैदा होने वाली जो डीसी सप्लाई है
जो डीसी होती है वो है पल्सेटिंग डीसी, मतलब शुद्ध डीसी एक अल्टरनेटर के द्वारा भी पैदा नहीं होती कन्वर्टर्स के द्वारा। उसे शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन को आवश्यकता होती है फिल्टर्स परिपथ। तो एमजी सेट एक मोटर और एक जनरेटर के द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तन किया जाता है, वो एमजी सेट कहलाता है। दूसरी चीज है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर्स, एक कन्वर्टर होता है, एक रोटरी कन्वर्टर है। इस रोटरी कन्वर्टर के द्वारा इसी एक ही युक्ति के ऊपर, रोटरी का मतलब होता है घूर्णन करने वाला भार, और इसी युक्ति के ऊपर हम क्या करते हैं कि एक आर्मेचर है, आर्मेचर में एक वाइंडिंग स्थापित करते हैं। एक तरफ अपन जो वाइंडिंग की जाती है वो होती है आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी तरफ उसी आर्मेचर में डबल वाइंडिंग की जाती है जिसे अपन स्लिपरिंग स्थापित करके, थ्री फेज का है तो आवश्यकता होगी स्लिपरिंग की संख्या कितनी होगी, तीन। यदि थ्री फेज का रोटरी कन्वर्टर है तो स्लिपरिंग लगाएंगे तीन, और यदि सिंगल फेज का रोटरी कन्वर्टर है तो स्लिपरिंग की संख्या होगी दो। इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस आर्मेचर या रोटर को घुमाएंगे, रोटर जैसे ही इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो रोटर पर एक ईएमएफ पैदा होगा। पैदा होने वाला ईएमएफ आउटपुट में लेने के लिए यदि इस कन्वर्टर को एक तरफ से डीसी वैद्युतिक सप्लाई दी जाए तो इधर आपको एसी वैद्युतिक सप्लाई प्राप्त हो जाएगी, और यदि आप इसके विपरीत अवस्था से एसी वैद्युतिक सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट में डीसी मिल जाएगी। यदि इसी साथ यदि इस रोटरी कन्वर्टर को किसी प्राइमोवर के द्वारा घूर्णन करवाया जाए, एक साथ एसी एवं डीसी दोनों प्रकार की वैद्युतिक सप्लाई इस रोटरी कन्वर्टर के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो ये कन्वर्ट करने का कार्य है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस युक्ति को काम करते रोटरी कन्वर्टर। इस युक्ति का एक दोष है, दोष क्या है कि दोनों एक ही आर्मेचर पर स्थापित होने के कारण वाइंडिंग इसका आउटपुट जो भाग है वो अलग नहीं रह पाता, इसलिए रोटरी कन्वर्टर में एक ही अवगुण होता है कि जब भी आप एसी लेंगे तो डीसी भी साथ मिलेगी, इसलिए दोनों का कॉमन सप्लाई फील्ड है वो एक होता है। सिंगल फेज का अगर रोटरी कन्वर्टर है तो स्लिपरिंग की संख्या होगी दो, और रोटर के अंदर स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग है उनके बीच डिग्री ऑफ डिफरेंस रहेगा सिंगल फेज में 90, और यदि थ्री फेज की वाइंडिंग रोटर पर करते हो तो उनके बीच डिग्री का डिफरेंस रहेगा 120 डिग्री। तो आउटपुट में ईएमएफ लेने के लिए थ्री फेज में स्लिप रिंग्स की संख्या होगी तीन, और सिंगल फेज के लिए आवश्यकता होगी दो। तो एक रोटरी कन्वर्टर है जिसके द्वारा एक साथ ही एसी सप्लाई देंगे तो इधर डीसी मिल जाएगी, यहां पर डीसी दोगे तो आउटपुट में एसी मिल जाएगी, और यदि किसी प्राइमोवर के द्वारा इसको प्रचालित किया जाए तो एक ही समय में आपको एसी एवं डीसी दोनों प्रकार की वैद्युतिक सप्लाई इस रोटरी कन्वर्टर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो एक अल्टरनेटर के बजाय, एक एमजी सेट के बजाय रोटरी कन्वर्टर है, उसकी कीमत कम होती है क्योंकि यहां पर दो मशीन है, इसलिए एमजी सेट की दक्षता निम्न होती है, उससे ज्यादा रोटरी कन्वर्टर है इसकी दक्षता एमजी सेट से उच्च होती है। अधिकांश अपन सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों प्रकार के रोटरी कन्वर्टर्स का प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेज में 90 डिग्री का वैद्युतिक अंश होगा, थ्री फेज में 120 डिग्री के ऊपर तीन कॉइलों का स्थापन कार्य कर सकते हैं। तो एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर्स में कुछ हानियां हैं, देखो दो मशीन होने के कारण कीमत ज्यादा होगी, रोटरी कन्वर्टर्स की कीमत थोड़ी कम होगी,
यदि आप एसी देकर डीसी ले रहे हो या डीसी देकर एसी ले रहे हो या किसी प्राइमर के द्वारा प्रचालित करके दोनों प्रकार की वैद्युतिक सप्लाई एक साथ इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो एक एमजी सेट के द्वारा भी एसी को डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं और एक रोटरी कन्वर्टर्स के द्वारा भी एसी को डीसी में परिवर्तन किया जा सकता है। एक होता है मेटल रेक्टिफायर, मतलब धातु के डायोड, और एक डायोड्स का कार्य है एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति डायोड कहलाती है। एक डायोड है, ये आपका एनोड पॉइंट है और ये आपका कैथोड पॉइंट है। एनोड जो भाग है इस भाग को बोलते हैं आधार, जिधर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं शीर्ष। इसे शंकुनुमा आधार की बजाय शीर्ष पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तीव्रता क्या होती है, उच्च होती है। आधार की अपेक्षा शीर्ष पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता उच्च होती है, तो जैसे ही आधार के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जैसे ही सप्लाई से जुड़ा, तो एसी एक बार धन और एक बार ऋण। मान एक निश्चित समय या दर के ऊपर एसी का परिवर्तन होता है, जबकि डीसी सप्लाई हमेशा स्थिर रहती है, तो एक डायोड एसी का धन साइकिल ही पास कर पाता है, जबकि ऋण जो साइकिल है उसे क्या करता है, ब्रेक कर देता है। सिर्फ धनात्मक साइकिल पास होती है, उस अवस्था में जो बायसिंग होती है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, और ऋणात्मक अवस्था में जो बायसिंग होती है उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो एक डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग अवस्था में कार्य करता है, रिवर्स बायसिंग अवस्था में डायोड कार्य नहीं करता, अग्र अभिनति में कार्य करता है, पश्च अभिनति में नहीं। तो एक एसी साइकिल का धन चक्र ही डायोड में पास होता है, ऋण चक्र में कोई भी पास नहीं कर पाता। तो पहला है मेटल रेक्टिफायर धात्विक डायोड, तो पहला है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के अंदर एक जो डायोड है उसकी एक प्लेट वो होती है धात्विक पदार्थ कॉपर की लगाई जाती है, इसके बीच में कुचालक पदार्थ की एक परत जमा दी जाती है, जिससे उच्च तापमान के ऊपर इसे गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद इसकी एक तरफ की जो परत है उसे साफ कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ की जो परत है उसको बीच में डालकर कुचालक के रूप में उसे काम में लाया जाता है, और ऊपर दूसरी लोहे की परत जमाकर दोनों को नट बोल्ट विधि से कस दिया जाता है। कसने के बाद यहां पर एक परत जमगी जिसकी ऑक्साइड, ऑक्साइड की परत होने के कारण ये कुचालक का कार्य कर दिया, और आधार पर होता है शीर्ष, मतलब नीचे आधार जो क्षेत्र है वो बड़ा रखा जाता है, शीर्ष जो क्षेत्र होता है वो आपका छोटा रखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आपके आधार से शीर्ष की ओर जाते हैं, मतलब एनोड से कैथोड की ओर आपके इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, निश्चित मान की वोल्टेज इसके आरोपित करने के बाद। तो मेटल रेक्टिफायर के अंदर पहला है कॉपर ऑक्साइड और दूसरा है सिलेनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड इसमें एक स्प्रे द्वारा, सिलेनियम ऑक्साइड के अंदर सिलेनियम के स्प्रे द्वारा कुचालक परत तैयार की जाती है, और इस कुचालक परत इन दोनों के बीच में इंसुलेटर का कार्य करती है।
तो हमेशा डायोड में जो धारा देंगे आधार से शीर्ष की तरफ, यदि इसके विपरीत अभिनीति में करंट दी जाए तो डायोड में रिवर्स बायसिंग अवस्था में कोई भी करंट प्रभावित नहीं होगी। एक अच्छे डायोड का फॉरवर्ड बायस अवस्था में प्रतिरोध निम्न और रिवर्स बायस अवस्था में प्रतिरोध उच्च होता है। एक डायोड है, जब भी उसे आप चेक करोगे, चेक करने के लिए ओममीटर का प्रयोग करेंगे, ओममीटर में प्लस और माइनस धनात्मक सिरा होगा, एनोड को धन सिरे से और कैथोड को ऋण सिरे से जोड़ेंगे। जोड़ते ही इस अवस्था में ओममीटर इसका प्रतिरोध मान जो होगा वो क्या होगा, निम्न होगा, क्योंकि ये अवस्था कौन सी हो गई, फॉरवर्ड अवस्था, मतलब धन धन से ऋण ऋण से। इस अवस्था में इसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे, इस अवस्था में इसका प्रतिरोध निम्न होगा। यदि ओम मीटर का धन सिरा इसके ऋण से और ऋण सिरे को धन से जोड़ दिया जाए, इस अवस्था में एक अच्छे डायोड डायोड का प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, उच्च या अनंत मान संकेत करेगा, तब तो समझो आपका डायोड सही है। और यदि ओम मीटर को फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में यदि डायोड प्रतिरोध उच्च या अनंत दर्शाएं तो डायोड क्या होगा, ओपन माना जाएगा। यदि ओम मीटर एक अवस्था में प्रतिरोध उच्च और एक में निम्न है तो डायोड सही है। यदि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों अवस्थाओं में प्रतिरोध शून्य दर्शाता है तो डायोड शॉर्ट सर्किट माना जाएगा। इसलिए अच्छे डायोड को जब भी काम में लें, परीक्षण करते समय फॉरवर्ड वाइस अवस्था में प्रतिरोध हमेशा निम्न और रिवर्स वाइस अवस्था में प्रतिरोध हमेशा उच्च मान होना चाहिए, तो ही वो डायोड सही है। यदि दोनों अवस्थाओं में निम्न दर्शाता है तो डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, और यदि दोनों अवस्थाओं में प्रतिरोध उच्च दर्शाता है तो डायोड आपका ओपन सर्किट माना जाएगा। तो ये दो तरह के डायोड होते हैं, कॉपर ऑक्साइड और सिलेनियम ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर की लेप चढ़ा जाता है कॉपर धातु का, और सिलेनियम ऑक्साइड के अंदर उत्सर्जक पदार्थ सिलेनियम के स्प्रे विधि के द्वारा उसकी धनात्मक प्लेट के ऊपर स्थापित की जाती है। तो एक अच्छे डायोड है उसका प्रतिरोध हमेशा निम्न होना चाहिए। चौथी जो अपने पास युक्ति है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर्स मतलब एक एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वो है इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स के द्वारा अपने पास आवश्यकता होती है 12 वोल्ट की बैटरी। इस बैटरी से वैद्युतिक सप्लाई, क्योंकि 12 वोल्ट है, कौन सी सप्लाई है, डीसी, फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, शून्य है। तो सबसे पहले यहां पर आपको आवश्यकता किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की, इसलिए यहां पर आपको आवश्यकता होगी ऑसिलेटर। लो ऑसिलेटर को बोलते हैं दोलित्र, लो दोलन करने वाली युक्ति दोलित्र कहलाती है, क्योंकि 12 वोल्ट वैद्युतिक सप्लाई थी ऑसिलेटर को, ऑसिलेटर ने उस वैद्युतिक सप्लाई 12 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दी, 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी के अंदर। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी शून्य थी बैटरी में, आगे आपने बैटरी से ऑसिलेटर लगाया इन्वर्टर में, इन्वर्टर में ऑसिलेटर जैसे लगाया तो उसने फ्रीक्वेंसी पैदा की 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इस 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के मान के ऊपर जिस वोल्टेज को वृद्धि करने के लिए यहां आवश्यकता हुई किसकी, एम्पलीफायर, मतलब वोल्टेज को एम्पली करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो आपका एम्पलीफायर कहलाता है। ये आपको 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज
एसी के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य एम्पलीफायर का आपका होता है। तो ये वोल्टेज को 12 वोल्ट की बैटरी को आगे ऑसिलेटर लगाया, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पैदा की, फ्रीक्वेंसी के बाद उस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर लगाया, वोल्टेज को एम्पलीफाई की और उससे आगे आपका आउटपुट एम्पलीफायर लगाया। इसने आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाकर 240 वोल्ट के रूप में कन्वर्ट कर दी, जिसे अपन घरों में इन्वर्टर के रूप में काम में लेते हैं। तो देखो, ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जबकि एक एम्पलीफायर के द्वारा भी वोल्टेज को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। एक डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी पैदा करनी है तो आगे ऑसिलेटर लगाया, ऑसिलेटर एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा 50 हर्ट्ज, उस वोल्टेज को बढ़ाकर आगे एम्पलीफाई किया एम्पलीफायर ने, फिर एक आउटपुट एम्पलीफायर और लगाया जिसमें करंट व वोल्टेज निर्धारित लोड मान के ऊपर उसको संयोजित करने के लिए काम में लाया जाए। तो उच्च मान के ऊपर वोल्टेज को एम्पलीफाई किया। तो घरों में आपने इन्वर्टर जो लगाते हैं वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने इन्वर्टर लगाया, तो किसी सौर ऊर्जा के द्वारा जो प्लेट्स होती है वो डीसी पैदा करती है, तो डीसी के द्वारा ये अपन उस परिपथ में एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एमजी सेट, रोटरी कन्वर्टर्स, मेटल रेक्टिफायर और इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स क्या करता है कि 250 हर्ट्ज जो एसी है, यहां पर आपने एसी दी, एसी वोल्टेज को डाउन करके एक बैटरी के रूप में स्टोरेज करने का कार्य है इन्वर्टर्स का होता है। तो इन्वर्टर एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति इन्वर्टर कहलाती है। अगर आप इसे डीसी वैद्युतिक सप्लाई देंगे या बैटरी में स्टोरेज रखोगे तो उसे एसी में कन्वर्ट करने का कार्य इन्वर्टर का होता है। अब जो एम्पलीफायर होता है वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए काम में लेता है। यदि उच्च मान का आपको आउटपुट में लोड की आवश्यकता है तो आउटपुट में एम्पलीफायर के साथ एक युक्ति लगाई जाती है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। उच्च मान की धारा आउटपुट में लेने के लिए जिस युक्ति का अपन प्रयोग करते हैं वो आपका SCR के नाम से जाना जाता है। तो देखो, इन्वर्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो रोटरी इन्वर्टर्स और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर्स जो घरों में वैद्युतिक सप्लाई के लिए प्रयोग करते हैं अपन, उस इन्वर्टर के द्वारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करके सप्लाई अगर चली जाए तो आपातकालीन सप्लाई के रूप में इन्वर्टर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नमस्कार, आगे मिलते हैं अगले पार्ट के लिए।